नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज मैं आपको कुछ ऐसी तीन टिप्स दूंगा जिनसे आप अपने हस्बैंड को और भी खुश रख सकती हो। मेरा नाम अनुभव ध्रुव है और मैं पिछले कई सालों से एज ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और मैंने कई मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। और मेरा मिशन है कि आने वाले टाइम में मैं लगभग 1,00,000 लोगों की मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाऊं। तो दोस्तों, मेरी पहली टिप्स ये है कि अगर किसी भी हस्बैंड को आप सलाह देने की कोशिश करती है तो उसको बिना मांगे सलाह ना दी जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। और दूसरी सलाह ये है कि कभी भी आपका हस्बैंड ये लगे कि वो डिप्रेशन में है या कहीं किसी बात में उलझा हुआ है तो उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, उसके उसके हालात पर छोड़ देना चाहिए। और वो जब अपने प्रॉब्लम को सोल्व करके आ जाएगा तो वो आपसे अपना आप ही आपसे सलाह मांग लेगा, या फिर उसको ये लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है तो वो अपना आप खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। और अगर उसको ये लगा कि उसकी वाइफ उसको बिना मांगे सलाह दे रही है या उसके पीछे पड़ी हुई है तो वो उसको अपनी हालात के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा, ऊपर से उसको गुस्सा होने लग जाएगा। तीसरी बात दोस्तों, किसी भी हस्बैंड को ये मंजूर नहीं होता या ये अच्छा नहीं लगता कि वाइफ उसका ज़्यादा ख्याल रखे, उसकी ज़्यादा केयर करे, बच्चे की तरह उसको केयर करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो माँ होती है वो बच्चे के पीछे लगी रहती है कि तूने खाना खाया नहीं खाया, अच्छे कपड़े पहने नहीं पहने, तूने अपने स्कूल बैग अच्छा नहीं स्कूल बैग में बुक डाली नहीं डाली, मतलब उसके पीछे पड़ी रहती है। उसी तरीके से जब हस्बैंड कहीं जा रहा होता है तो उसके पीछे पड़ जाती है कि तुमने अपना पर्स ले लिया, उसमें पैसे रख लिए, या तुमने अपने कपड़े रख लिए, मोजे रख लिए, ये रख लिया, वो रख लिया, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए वो उसको परेशान करती रहती है, यानी हस्बैंड से बोलती रहती है। जबकि हस्बैंड को उस काम को करते हुए बहुत साल हो चुके हैं, फिर भी उस काम के लिए जब उसको बोलती तो उसको गुस्सा आता है कि हाँ उस देख मेरे को बच्चा समझ रही है। तो उस टाइम पे किसी भी हस्बैंड को ये पसंद नहीं होता कि उसकी वाइफ उसको बच्चे की तरह ट्रीट करे, जबकि होना ये चाहिए कि किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड के सिर्फ साथ देना चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए हाँ तुम वहाँ जा रहे हो अच्छे जाना चाहिए और बढ़िया है। उसको बार बार में किसी बात के लिए नहीं टोकना चाहिए कि तुमने ये रख लिया या ये भूल गए या ये भूल गए। एक वाक्य सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार मेरा दोस्त अपने काम से जा रहा था कहीं पे, तो वो जब वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद उसको लगा कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है, उसको आगे की जर्नी भी लेनी थी, तो वो अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि मैं पासपोर्ट तो घर ही भूल गया। तो वहाँ पर उसकी वाइफ ने उसको लेक्चर नहीं दिया कि मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुमने पासपोर्ट छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसकी जगह पर उसकी वाइफ ने बोला कि चलो आप कुछ तो भूलते हो, मैं एक काम करती हूँ, आपको ये पासपोर्ट इसको फैक्स कर देती हूँ, जो आपका काम होगा वहाँ से हो जाएगा। यानी उसके हस्बैंड को उसने बच्चा नहीं माना, उसको ट्रीट नहीं किया, उसको ऐसे नहीं बोला कि तुम ये करो वो करो, इसकी जगह उसने ये बोला कि मैं तुम्हें फैक्स कर देती हूँ। उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करी, ना कि उसको ताने देने की कोशिश करी। वहाँ पर उसके हस्बैंड को ये लगा कि हाँ ये मेरे को बच्चा नहीं समझती, ये मेरे को एक्चुअली समझती है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों कुछ ये ऐसी टिप्स थी जो आपको याद रखनी चाहिए, और खासकर अगर आप लेडीज हो इसको सुन रही हो तो ये जरूर रखना चाहिए याद कि अपने हस्बैंड के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड बात बात पे चिढ़ जाता है और उसको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई इसको बच्चे की तरह ट्रीट करे। सो हस्बैंड को एक मर्द की तरह ट्रीट कीजिए जो वो अपने खुद को मानता है, और उसका जो अपने आप एक माइंड में घुसी रहती है कि मैं मर्द हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो उसको उस तरीके से ही रहने देना चाहिए। सो दोस्तों ये मेरी टिप्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना और इसको शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और उसके एक बेल आइकन को जरूर टच कर लेना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जो हस्बैंड वाइफ की इंफॉर्मेशन है मैं देता रहता हूँ, जिससे आपकी मैरिज लाइफ और भी स्ट्रॉन्ग बने। और मेरा एक खुद का एक कोर्स भी चलता है, 10 दिनों का मेरा एक पूरा कोर्स होता है, उसमें मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ देता हूँ, अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो उस नंबर पर आप पता कर सकते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों नमस्कार।